जैन बच्चों, सो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो जे एडवान 2022 से आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स है फ्रॉम द टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम कितना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया थीटा एंगल पे, उसी रेंज जो है वो डी है, अगर ग्रेविटी जी है तो नीचे की तरफ। नेक्स्ट केस कि अब ग्रेविटी बदल दी गई, पहले हाफ में जब वो गया सब कुछ सेम रखा, यू भी सेम थीटा भी सेम, तो पहले हाफ में ग्रेविटी जी थी नीचे की तरफ, और अगले हाफ में हाईएस्ट पॉइंट पार करने के बाद ग्रेविटी कुछ और है, ग्रेविटी कितनी है जी बाय 0.81। तो बताइए कि नई रेंज कितनी होगी, डी डैश निकालना है ये कितना होगा। तो ऑब्वियसली कुछ तो बदलेगा ही, बिकॉज ग्रेविटी बदल गई है नेक्स्ट हाफ में। तो अगर फर्स्ट हाफ की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मींस अगर ये पूरा डी है तो ये तो डी बाय 2 ही रहेगा, ये वाला डिस्टेंस बदलेगा तो ये बदलेगा, ये कुछ और हो जाएगा नया वाला, क्योंकि वहां कुछ और चीजें चेंज हो गई है। अब कैसे निकालें उसको, उसके लिए देखते हैं। तो हमें ये पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में जो स्पीड होती है वो होती है यू कॉस थीटा, और ये एक तरह से हाइट है। सो अब हम इस बची हुई रेंज को निकालने के लिए वी कैन ट्रीट इट एज कि भाई ये एक आपके पास एच हाइट ऊपर से एक यू कॉस थीटा से पत्थर को फेंक दिया गया, तो जहां ये गिरेगा वही उसकी नई आधी रेंज है। एक्चुअली ये सवाल इस तरह से हो चुका है कुछ, और ग्रेविटी यहाँ पे आपके पास ये है जी अपॉन 0.81। एच आपको पता है एच ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जी मैक्सिमम हाइट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक तरह से प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ए हाइट है हॉरिजॉन्टली, तो हमें ये निकाल सकते हैं कितनी देर में नीचे गिरेगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। सो दिस टाइम ऑफ फ्लाइट इज एक्चुअली अंडर रूट 2h बाय न्यू जी, इसको आप जीवन इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं ऐसे सिंपली, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो एस यहाँ पे जो ट्रेवल करना है इसको वाई में लगा रहे हैं क्वेश्चन, कि वाई में कितना डिस्प्लेस किया है इसने, तो उसने किया एच, नेगेटिव आ सकते हैं बिकॉज नीचे की तरफ किया है, यू वाई इज जीरो बिकॉज यहाँ पे कुछ वाई में स्पीड थी नहीं, वाई ये होता है एक्स में स्पीड थी सारी, तो जीरो माइनस ए वाई जीरो होता है टी स्क्वायर। इतने टाइम में पार्टिकल नीचे लैंड कर जाएगा, तो दिस वी कैन फाइंड सिंपली बाय इक्वेशन, और वी नो भाई अगर आप वर्टिकली कोई स्पीड नहीं देते हैं किसी पार्टिकल को, वर्टिकली कोई स्पीड ना दे सिर्फ हॉरिजॉन्टली फेंकें, तो इतने टाइम में नीचे गिरता है, इसको फ्री फॉल टाइम ही बोलते हैं। अच्छा, अब हमें निकालना है कितना दूर गिरेगा, तो वी कैन पुट कि भाई x इक्वल टू uxt हाफ axt स्क्वायर। x में कोई एक्सीलरेशन होता नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी y में लग रही है, x में कुछ भी नहीं है, तो uxt ux इज आर u cos थीटा, इस पॉइंट पे u cos थीटा सारा x में ही, इनटू 2h / g। अब एक काम करते हैं, ये वैल्यू सारी पुट करते हैं ताकि ये नया रेंज आ जाए, नया हाफ रेंज आ जाए। सो u cos थीटा इनटू 2h, कितना h होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा / 2g इनटू g1 की पुट कर लेता हूं, वैल्यू 0.81। सो ये हमारे पास 2 से 2 कट गया, तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ कॉमन आ जाएगा u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा, यहाँ कर लेता हूँ अलग से, तो u cos थीटा इंटू ये कॉमन आ जाएगा u साइन थीटा बाय जी इंटू रूट 0.81, जो कि हो जाएगा 0.9। अब मैं यहाँ पे अगर एक काम करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड कर दूँगा इस चीज को, तो ये बन जाएगा के पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इनटू 0.9। ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इस साइन थीटा। अब ये टर्म कितनी होती है इसको देखते हैं, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं वाला। अब इसको देखा जाए तो दिस इज एक्चुअली आवर रेंज, ये नई पुरानी वाली रेंज है डी, तो एक्चुअली ये डी है, तो दिस इज इक्वल टू डी इनटू 0.9 बाय 2, तो 0.45, दिस इज 0.45।
मतलब जितना वो आगे गिरेगा जो डी वन की वैल्यू है दिस इज डी वन तो 0.45 डी टोटल जो नई रेंज है डी डैश वो कितना होगा वो होगा डी बाई टू पहले का और अगले का 0.45 डी दिस इज इक्वल टू 0.95 जो नई रेंज है वो 0.95 डी हो गई पहले से अगर पहले डी थी तो ये टोटल हमने रेंज निकाल ली पहले वाली सेम रही फर्स्ट हाफ की डिवाइड टू बिकॉज यहाँ कुछ चेंज आया नहीं और नेक्स्ट हाफ में चेंज आया वो हमने फाइंड किया सिंपली एक प्रोजेक्टाइल से फायर किया हुआ किसी हाइट से एंड दिस वी हैव सॉल्व तो आई बिलीव कि काफी बेसिक सवाल है और ऐसे क्वेश्चन तो आपको एडवांस में करना ही पड़ेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा एन वैल्यू 0.95 सो अगर आपको मेरा ये सोल्यूशन समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें और वीडियोस के लिए मेरे जुड़े रहें और मेरी प्लेलिस्ट को देखते रहें आपको काफ़ी कुछ मिलेगा वहाँ पे आपके करने के लिए धन्यवाद।